नमस्कार, आरडी एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कृषि प्रवेशक भर्ती परीक्षा 2024 की, जो एक्सपायरी डेट कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, जो ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में बता रहे हैं, कट ऑफ क्या तक संभावित है, इससे लगभग 1% आप माइनस या प्लस कर सकते हो। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। हम अब लगभग बात कर लेते हैं, सबसे मेल और फीमेल हल करेंगे। हर अलग अलग कैटेगरी जो है, सबसे पहले मेल की बात करें, जनरल के 78% अगर आपके सही हो रहे हैं तो लगभग पूरा चांस है आपका सिलेक्शन का। फिर अगर फीमेल की बात करें तो लगभग 75% की 1+ माइनस कर लेना, 1%, ठीक है ना। प्लस माइनस ज़्यादा आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओबीसी की बात करें तो लगभग 75, और फीमेल की बात करें तो 73। फिर एससी की बात करें तो 70 और 68 फीमेल की। फिर एससी की और एसटी की अब बात कर लेते हैं, 68 और 65 फीमेल की। फिर बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 75 मेल की रह सकती है, फीमेल की 73 तक रह सकती है। एमबीसी की बात करें, 73 से लेकर 65 तक एमबीसी की फीमेल की रह सकती है। इसके अलावा आपके कितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स करना है। इसके अलावा आपको पता है कि आपने फाइनल आंसर की मिला ली होगी, आपके इतने क्वेश्चन तक राइट हो रहे हैं वो आपको पता है, मेरे को नहीं पता है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको अपने जितने क्वेश्चन हैं या इतने नंबर, आपको प्लस माइनस सारे कुछ करके नंबर या क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हो। और मेरे को उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेंड करनी है ये कट ऑफ। जितने भी पिछले वीडियो में मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था उस पे क्वेश्चन आए थे, या उसके अलावा मेरे व्हाट्सएप पर जितने भी मैसेज आए थे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसके आधार में ये कट ऑफ है। जितने भी एनालाइज करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो का पूरा देखने के लिए धन्यवाद।